हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शिकारी बच्चे की है जिसने अपनी जीवन शैली में एक ऐसा काम कर दिया जिसके बारे में जब दुनिया को पता चला तो सबके होश उड़ गए। लेकिन ऐसा उसने क्या किया, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस कारी और उसके पिता टापुया से, जो कि एक शिकारी है और अपने ग्रुप के साथ यहाँ जंगल में कई सालों से रहते हुए आ रहे हैं। उनके पिताजी ने उन्हें वो सारी चीजें सिखाई है जिससे कि एक अच्छा शिकारी बना जा सकता है। और आज वही टापुया अपने बेटे उस कारी को लेकर आया है उसी कमरे में जहाँ पर शिकारियों की फोटोज लगी हुई है जिन्होंने अपने मिशन को पूरा किया है, और उन्होंने जंगल में जाकर अपना पहला शिकार किया जिसके बाद उनकी फोटो यहाँ पर लगा दी गई है। उसकारी पूछता है कि क्या उसकी भी फोटो यहाँ पर लगेगी, तो उसके पिता कहते हैं कि हाँ जरूर, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल वाले मिशन को पूरा करना होगा। यहाँ पर वो अपने पिता की भी जवानी की फोटो को देखता है, उसके हाथ में एक हिरन का सर था जिसे देख कर वो उन्हें तुरंत पहचान लेता है। खैर, अब अगले दिन वो अपने पिता और पूरे ग्रुप के साथ वो जंगल की ओर जा रहे थे। दरअसल ये सब वो सिर्फ उसकारी के लिए कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि जब उसे अपने दिल को नरम की जगह मजबूत बनाना होगा। सभी लोग एक ऊंचाई पर रुकते हैं और फिर उस ग्रुप का सबसे बूढ़ा आदमी ऊंचाई पर जाकर एक ऊंची आवाज में बोलता है कि आज वो दिन आ गया है जब उसकारी को हम सभी को छोड़कर कुछ दिन जंगल में बिताना होगा, और तब तक उसे वापस नहीं आना है जब तक उसके हाथ में कोई जानवर का सर ना हो। उसे जो कुछ भी खाना पीना है सब कुछ उसे जंगल में ही ढूंढना होगा। इसलिए अब सभी उसको अलविदा कह देते हैं और जाने देते हैं। उस कारी के पिता थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, ये उनकी प्रथा है, एक रिचुअल है जो उसे पूरा करना ही होगा। उसने भी किया था और उसके बेटे को भी करना होगा। लेकिन उसने जीप में उस कारी को एक मैप दिया है जो उसके पिता ने उसे दिया था, ताकि जब वो जंगल में पहली रात गुजारे तो भूखा ना रहे, क्योंकि उस मैप में एक रेड डॉट बना है जहाँ पर हमेशा उन्हें कोई ना कोई शिकार मिलेगा ही। लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ी दूर मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर उसकारी अभी बहुत छोटा है, इसलिए ग्रुप के लोगों ने उसके लिए एक बगी बनाई है जिसमें उसकी जरूरत के सारे सामान थे। अब यहाँ से सीधा हम आसमान में पहुंचते हैं जहाँ पर हवा में एयरफोर्स वन को उड़ते हुए देखते हैं जिसके अंदर US प्रेसिडेंट समिट के लिए जा रहे हैं। मोनाको, उनके पास उनका सबसे भरोसेमंद आदमी मॉरिस आता है, और हम जान पाते हैं कि मॉरिस ने प्रेसिडेंट के लिए अपने दिल पर गोली खाई थी और वो हर दिन दवाइयाँ खाता है क्योंकि उसको नहीं पता कि वो कब तक जिंदा रहेगा। उसे देखकर विलियम, जो कि प्रेसिडेंट है, कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे डर कम लगता है, लेकिन फिलहाल तो मुझे जल्दी से मोनाको पहुंचा दो। उधर हम जंगल के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखते हैं जिसके अंदर दो लोग थे। उनके साथ एक गाइड भी था जो उन्हें जंगल घुमाने लाया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो असल में किसी जानवर का नहीं बल्कि एक खास इंसान का शिकार करने के लिए आए हैं, और उनके पास एक चाइनीज मिसाइल भी है जिसे वो अब किसी पर निशाना लगाने वाले हैं। ये सब जानकर गाइड कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम लोग असल में आतंकवादी हो, यहाँ पर क्या करने आए हो, मैं जाकर सभी को बता दूंगा। तो आदमी जॉन को, जो कि हेड होता है, वो कहता है कि ठीक है, जाकर बता दो, मेरे पास तो कोई बंदूक भी नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकूं। इसलिए वो आदमी भागना शुरू कर देता है, और जब वो थोड़ी दूर चला जाता है तो जॉन उसके ऊपर वही मिसाइल से एम करता है और फिर ट्रिगर को पुल कर देता है जिससे कि वो सीधा जाकर उसी को शूट करती है, और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जॉन किसी अनजान आदमी को मैसेज करके बोलता है कि हमने टेस्ट कर लिया है, सब सही है, ये आदमी कौन था और इन लोगों का क्या मकसद है, ये सब हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। वहीं उसकारी जंगल में अपने शिकार की प्रैक्टिस करता है, उसे एक लकड़ी का हिरन बनाया हुआ था, लेकिन अभी उस समय पर उसे धनुष भी पकड़ना नहीं आता, ऐसे में उस किसी जानवर का शिकार करना आसान नहीं होगा। उधर आसमान में हम एयरफोर्स वन को देखते हैं जिसके कॉकपिट में जाकर मॉरिस अपडेट लेता है और उन्हें बताता है कि हमें थोड़ा जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, इसलिए थोड़ी स्पीड तेज कर दो। वो मान जाता है, पर बाहर आते ही उन्हें पता चलता है कि किसी ने एयरफोर्स वन पर मिसाइल एम कर दिया है। इसलिए वो सभी को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से प्लेन को सिक्योर करो और जितनी जल्दी हो सके प्रेसिडेंट को इवैक्यूएट कर दो। सभी लोग फौरन प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, और वो तो कपड़े ही पहन रहे थे, लेकिन बिना जूतों के ही उन्हें फौरन इवैक्यूएशन रूम में लाया जाता है और फौरन एक कॉकपिट में बैठा दिया जाता है। जाते हुए मॉरिस उन्हें कहता है कि मैं आपको सीधा नीचे मिलूंगा, फिलहाल के लिए आपको यहाँ से जाना होगा। अब वो उनको सीधा नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद कुछ सोल्जर भी नीचे जाते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल देखता है कि जितने भी सोल्जर नीचे जा रहे हैं उनका पैराशूट खुल नहीं रहा है। पर जब इस बारे में मॉरिस को पता चलता है तो वो अपनी बंदूक निकाल कर उसको शूट कर देता है, क्योंकि दोस्तों जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है उन सब में मॉरिस मिला हुआ है। वो कहते हैं ना कि जो सबसे भरोसेमंद होते हैं वही सबसे खतरनाक होते हैं। मॉरिस नीचे जाता है तो उसका पैराशूट खुल जाता है क्योंकि उसने अपना पैराशूट पहले से ही पहन रखा था। वो नीचे जाते हुए सिग्नल दे देता है, जिसके बाद जॉन अपनी सारी मिसाइल को छोड़ देता है जो कि उन सारे फाइटर जेट्स को लगती है और सभी क्रैश हो जाते हैं। और फिर कुछ मिसाइल जाकर एयरफोर्स वन को भी लगती है जो कि नीचे गिरना शुरू हो गया था।
और उसमें भी आग लग गई थी। हालांकि दोस्तों एयरफोर्स प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसके ऊपर आप किसी भी तरह का हमला कर दें तब भी उसे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन जॉन चाइना से हाथ मिलाकर एक स्पेशल मिसाइल बनवाई है जो कि बहुत ही घातक है और कितनी भी मोटी परत वाली प्लेन को वो खत्म कर सकती है और इसीलिए ऐसा हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम उस कारी को देखते हैं जो रात में नीचे जंगल के बीच अपने खाने को ढूंढ रहा था। तभी वो देखता है कि आसमान से कुछ बहुत बड़ी चीज गिर रही है। वो तो उसके पास में ही आ रही है इसलिए फौरन उसे दूर भागना शुरू कर देता है। यहाँ उस कारी भी झटके के मारे बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद के सामने किसी को खड़ा हुआ पाता है। उसके पीछे एक बॉक्स जैसी चीज भी थी। वेल सीन शिफ्ट होता और हम वॉशिंगटन डीसी में बने पेंटागन ऑफिस को देखते हैं जिसको पता चल चुका है कि एयरफोर्स वन पर हमला हुआ है और प्रेसिडेंट को इवैक्यूएट तो करवा लिया गया है लेकिन अभी वो कहां पर है किसी को पता नहीं है। अभी वहां पर फ्रेड नाम का आदमी आता है जो सभी को बताता है कि ये किसी तरह का क्रैश नहीं है क्योंकि एक साथ 5 प्लेन क्रैश नहीं हो सकते। इसमें किसी का हाथ है और किसी ने प्लेन के ऊपर मिसाइल छोड़ी है और वो भी उस जगह के सबसे ऊंची पहाड़ी से। तभी उन्हें इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा प्लेन दिख गया। वहां जंगल में हम मॉरिस को देखते हैं जो अपने पैराशूट को खोलकर जंगल के अंदर जाने लगता है ताकि वो जितनी जल्दी हो सके प्रेसिडेंट को ढूंढ सके, जिसके बाद वो लोग उनके साथ क्या करेंगे ये तो समय ही बताएगा। खैर थोड़ी दूरी पर उस कारी को अपने सामने प्रेसिडेंट का कैप्सूल दिखता है जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद ये किसी दूसरे प्लैनेट से आया हुआ एलियन है, इसलिए वो उसके पास जाता है और तभी अंदर से प्रेसिडेंट खिड़की से देखते हैं और एक कोड लिखते हैं जिससे वो बाहर का गेट खोल सके। उस कारी वो कोड एंटर करता है जिसके बाद गेट खुल जाता है। पर उसकारी तब तक वहाँ से दूर भागता है जब तक विलियम बाहर आता है तो देखता है कि उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जिसे वो बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन से प्लैनेट से हो। दरअसल उसकारी एक छोटे से गांव में रहता है और अभी वो बहुत छोटा है। वो किसी भी तरह से कोई भी प्रेसिडेंट को नहीं जानता इसलिए वो अभी विलियम को पहचान नहीं पाता। पर विलियम यहाँ उसे अपना पासपोर्ट दिखाता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये ज़रूर कोई बड़ा आदमी है। लेकिन उस बच्चे के एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे भले ही सुबह से कुछ खाया नहीं है लेकिन वो विलियम से कहता है कि मैं यहाँ पर बरसों से रह रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी क्योंकि ये उसका व्हाइट हाउस नहीं है बल्कि एक जंगल है। विलियम के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो उसकी कही हुई सारी बातें मानता है। उधर पेंटागन में खलबली मची हुई है क्योंकि उन्हें कैसे भी करके अपने प्रेसिडेंट को ढूंढना है। तभी वहाँ एक आदमी आकर बताता है कि हमें एक सिग्नल मिल रहा है जो कि प्रेसिडेंट के कैप्सूल की है और इसीलिए ये लोग तुरंत वहाँ पर अपनी सील टीम को भेजते हैं। तब वहाँ हमें किसान दिखाई देता है जो उसी ट्रांसमीटर के पास पहुँच गया था जो कि कैप्सूल से काफी दूर पर पड़ा हुआ था और उसी समय उसके ऊपर अमेरिकन एयरफोर्स पहुँच जाती है पर उन्हें वहाँ बस ट्रांसमीटर ही मिल पाता है और प्रेसिडेंट का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन आपको पता ही होगा कि वो अभी इस समय कहाँ पर है, इसलिए देखते रहिए आगे इस कहानी में काफी रोमांच आने वाला है। उधर हम मॉरिस को देखते हैं जो जॉन और उसके लोगों को उस जगह पर बुला लेता है और फिर सभी कैप्सूल के पास जाते हैं। उन्हें यकीन था कि प्रेसिडेंट अभी भी अंदर ही होंगे लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि जब वो गेट को खोलते हैं तो वो पूरा खाली था और ऐसे में उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब उन्हें प्रेसिडेंट को ढूंढना पड़ेगा लेकिन तब तक अमेरिकन आर्मी ज़रूर यहाँ तक पहुँच जाएगी इसलिए उन्हें तेज़ी करनी होगी। उधर उसकारी विलियम को लेकर अपनी बगी के पास जाता है और फिर उन्हें उस पर बैठने को बोलता है। कहता है कि मुझे इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पता है और मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। वो बैठ जाते हैं और फिर उस कारी अपने डैड के दिए हुए उस मैप को फॉलो करते हुए पहाड़ी के सबसे ऊंचे हिस्से पर चला जाता है और वहाँ पर उस बग्गी को रोक देता है और विलियम से कहता है कि हमें यहीं पर आज की रात गुजारनी होगी। वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं और आग जलाते हैं जिसके बाद विलियम के पास जो कुछ भी खाने का सामान था उस कैप्सूल में वो अपने साथ ले आते हैं और फिर वहीं वो दोनों खाने लगते हैं। यहाँ पर उसकारी उन्हें बताता है कि मेरे पास डैड का दिया हुआ मैप है जिसे मिडल में तुम्हें ये रेड डॉट दिख रहा होगा, वहाँ पर हमें जाना है जहाँ पर शायद मुझे एक शिकार मिल जाए क्योंकि हमारे गांव में एक रूल है अगर मुझे अच्छा शिकारी बनना है अपने डैड की तरह उसके लिए मुझे किसी जानवर का शिकार करना होगा तभी मैं उनके जैसा बन पाऊंगा, ऐसा वो कहते हैं। उसकी ये सब बातें सुनकर विलियम समझ जाता है कि ये बच्चा जरूर बहादुर है जो अकेले इस जंगल में आ गया। अब विलियम को पता नहीं था कि यहाँ से कहाँ जाना है और उसकी जिंदगी अब इस बच्चे के हाथ में है। अगर समय रहते उसने उसे बचा लिया तो वो शायद एक और जिंदगी जी सकेगा। अगली सुबह उसकारी विलियम को बिना बताए ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है उसी जगह पर जहाँ पर उसके डैड ने मार किया था। वही हम मॉरिस को देखते हैं जो पूरी रात विलियम को ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। इधर विलियम जब उस पहाड़ी पर जाता है तो उसे वहाँ पर अपने लोग गिरे पड़े मिलते हैं लेकिन जब वो उनके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि इनका तो पैराशूट ही नहीं खुला। उसे कुछ ही दूरी पर हम उस कारी को देखते हैं जो उसी रेड मार्क वाली जगह पर जाता है तो वहाँ उसे एक फ्रीजर रखा हुआ मिलता है
जिसके खोलने पर उसे अंदर एक हिरन का कटा हुआ सर मिलता है और उसके पास एक नोट भी मिलता है जिसमें उसके डैड ने लिखा था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए करा है, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे शिकारी बनोगे पर उसमें अभी समय है। पर उसकारी इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि उसे खुद ये शिकार करना था और खुद को साबित करना चाहता था वो। लेकिन वहाँ विलियम को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। जब वो मॉरिस को बंदूक के साथ देखता है और उसके साथ जॉन के लोग भी थे, वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे विलियम ही है, इसलिए वो फौरन वहाँ से उसकारी के पास जाता है और उसे यहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन वो वहाँ पर उदास बैठा हुआ था। जब वो उसकी वजह पूछता है तो वो बताता है कि उसके डैड को उस पर यकीन नहीं है, वो एक अच्छा शिकारी बन सकता है, इसलिए उन्होंने ये किया। पर विलियम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे डैड को पता है कि तुम एक बहादुर लड़की हो, पर अभी ये समय नहीं है कि तुम्हारा शिकार करने का, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तुम उदास मत हो लेकिन मेरी बात मानो और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। असल में मेरा प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, उसे किसी ने जानबूझकर गिराया था और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह का नुकसान हो। लेकिन तब तक वहाँ पर मॉरिस आ जाता और वो विलियम को देख लेता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है जिसमें उसकारी को भी चोट लगती है। इसलिए विलियम कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे, इसलिए वो भागकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। और इतने में वहाँ जॉन और उसके लोग भी आ जाते हैं जो प्रेसिडेंट को देख कर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका मिशन अब पूरा हो गया था। उधर पेंटागन में लोगों ने प्रेसिडेंट को ढूंढ लिया था लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने जॉन के लोगों को देख लिया और जब तक वो वहाँ पहुँचेंगे तब तक प्रेसिडेंट को लेकर वो लोग चले जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। दरअसल जॉन और उसके लोग विलियम को उसी फ्रिज में रख कर ले जाने का प्लान करते और विलियम कुछ कर नहीं पाता। इस समय उसके हाथ में कोई भी पावर नहीं है, इसलिए वो उनकी कही हुई बात नहीं मानता और इसीलिए वो उनकी कही हुई बात को मानता है और फ्रीजर में बैठ जाता है, जिसके बाद वो लोग उसको हेलीकॉप्टर से बांध देते हैं और फिर उसे ले जाने लगते हैं। लेन या उसकारी उन्हें ऐसे जाने तो नहीं दे सकता। वो ठान लेता है कि अब वो उनकी जान बचा कर रहेगा, इसलिए वो भागते हुए जाता है और उस फाइटर पे कूद जाता है और उस फ्रीजर पर कूद जाता है। जब विलियम उसे वहाँ देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अगर तुम यहाँ रहे तो मर सकते हो। लेकिन वो नहीं मानता और उसकी जान बचाने में लग जाता है। उधर ऊपर जॉन इस बच्चे को देख लेता और ऑर्डर देता है कि हेलीकॉप्टर को नीचे से उड़ाओ। लेकिन उसकारी भी चलाक था, वो नीचे आती उस फ्रीजर से लगी हुई रस्सियों को काट देता है जिससे कि वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर मॉरिस अपने लोगों के साथ आता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन उसकारी विलियम को लेकर फ्रीजर को बांध करके पहाड़ी से नीचे गिरने लगता और ऐसे ही गिरते हुए वो लोग एक झील में जाकर गिरते हैं जो जाकर समुन्द्र में मिल जाती है। जब कुछ देर बाद चीजें शांत हो जाती है तो विलियम बाहर आता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसके साइड में ही उसी का प्लेन डूबा हुआ है और उसकी बस टेल दिख रही है। विलियम बताता है कि इस प्लेन में एक सीट है जिसमें हम बैठ करके ऊपर उड़ सकते हैं, इसलिए वो लोग नीचे जाकर प्लेन के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ तो पहले से ही जॉन मौजूद था जो अपने साथ एक बॉम्ब लेकर आया था जिसमें टाइमर लगा हुआ था। अब बॉम्ब रखने के बाद जॉन ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे मॉरिस से ऊपर खींचने को बोलता है लेकिन वो उसे धोखा दे देता है और उसी रस्सी को काट देता है, जिसके बाद वो भी नीचे रह जाता है और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो विलियम को ही मारना शुरू कर देता है लेकिन उसके हाथ बंदूक लग जाती है जिससे वो जॉन को भून डालता है। और फिर ये दोनों फाइनली उस सीट के पास पहुंच जाते हैं। उसे एजक करते ही ये लोग आसमान में होते हैं जहाँ मॉरिस इनका इंतजार कर रहा था। अब उसे देख कर उसकारी उसके ऊपर अपनी पहली तीर चलाता है जो जाकर उसे लगती भी है, पर एक मामूली सी तीर से उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन कुछ ही देर बाद उस तीर के झटके की वजह से उसके दिल में दर्द उठ जाता है जहाँ पर उसे गोली लगी थी और इसी वजह से वो नीचे गिरकर मारा जाता है। उसी समय वो बॉम्ब भी फटता है जो पूरी जगह को तबाह कर देता है। जब उस एयरफोर्स वन की फुटेज को पेंटागन के लोग देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि अब प्रेसिडेंट नहीं रहे, इसलिए सभी लोग मायूस हो जाते हैं। उधर वहाँ अमेरिकन फोर्स भी उन सभी शिकारियों को पकड़ लेती है जिसमें उसकारी के डैड भी थे। लेकिन तभी हम पेंटागन की स्क्रीन में दो पैराशूट को उड़ते हुए देखते हैं जिसे वो फोर्स वाले भी देख लेते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट और उसकारी थे। वो अभी भी जिंदा थे और ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पेंटागन में कुछ लोग थे जो खुश नहीं थे, वो था फ्रेड और वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि ये भी मॉरिस के साथ मिले थे। और इसी बात से फ्रेड इतने गुस्से में आ जाता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को ही मार देता है और वो उन्हें ऐसे मारता है कि जिससे किसी को पता ना चले कि ये सब एक हादसा है। उधर हम देखते हैं कि पूरी अमेरिकन एयरफोर्स आ गई है प्रेसिडेंट को बचाने के लिए, जिसके बाद उसकारी की प्रेसिडेंट के साथ एक फ़ोटो भी क्लिक की जाती है जो जाकर वहीं लगती है जहां पर सभी शिकारियों की फ़ोटोज़ लगी हुई थी।
और उसने भी साबित कर दिया कि वो भी किसी शिकारी से कम नहीं है। वेल, इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।